Hi everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Koshik and this is the Sisareli series that's going on. So if you are new to the channel then let me just introduce you all ki Israeli series kya hai. तो आपकी जो साइकोलॉजी की एक बेसिक बुक है दैट हैज बीन रिटन बाय केस एंड अदर ऑथर्स उसके 15 चैप्टर्स हैं चैप्टर वन टू चैप्टर 15 व्हिच कवर द बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी सो इफ यू आर इन ग्रेजुएशन इफ यू आर इन मास्टर्स एंड हैव नो बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी इफ़ यू आर एमिंग फॉर एग्जाम्स लाइक यू जी सी नेट जे आर एफ फॉर एम फिल क्लीनिकल साइकोलॉजी यू नो फॉर सी यू ई टी पी जी एंट्रेंसेज और सी यू ई टी यू जी एंट्रेंसेज और इफ़ यू आर अगनर एंड वॉन्ट टू स्टडी दिस फील्ड सो दिस सीरीज वुड बी रियरली बेनिफिशियल फॉर यू ताकि आपकी फाउंडेशन बन सके साइकोलॉजी में और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके सो इफ़ यू हैव मिसड आउट ऑन प्रीवियस वीडियोज बिकॉज करेंटली हम फर्स्ट टेन चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सो वॉट यू कैन डू इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पर सिसरेली इस सीरीज की प्ले लिस्ट का लिंक होगा उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे सो so यू

चलो सो टुडे इज पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर इलेवन चैप्टर इलेवन का पार्ट वन हम लोग कल पढ़ चुके थे जिसमें हमने स्ट्रेस stress पढ़ा स्ट्रेसर्स पढ़े टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स पढ़े एंड अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ा सो टुडे इज पार्ट टू एंड वील टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टूडे इंक्लूडिंग द गैस मॉडल तो गैस मॉडल किस चीज़ के अंदर आता है वो आता है स्ट्रेस के फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंडर ओके सो स्ट्रेस इट हैज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फैक्टर्स सोशल एंड कल्चरलोलिंगसन फैक्टर्स वन सो फॉर एम इज टू कवर योर गैस मॉडल एंड योर इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रेस क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होती है आफ्टर ऑल वॉट इज फिजियोलॉजी इट इज रिलटेड टू अर बॉडी है ना तो गैस मॉडल क्या है दिस इज नोन एज जनरल सिंड्रोम सो ये मॉडल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि कोई भी जो अगर इवेंट आता है आपकी लाइफ में जो स्ट्रेसफुल है सो हाउ डू वी एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू दैट स्ट्रेस ओके एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन आर इम्यून सिस्टम

चलो सो गैस मॉडल दिया किसने है डू यू रिमेंबर दिस नेम हैंड सेली जिन्होंने यू स्ट्रेस का नाम दिया था कल की वीडियो में हमने पढ़ा था सो हैंड सेली हैज गिवन दिस मॉडल दैट इज और दिस यू नो थिंग गैस मॉडल जनरल अडाप्टन सिंड्रोम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे क्या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं वेन वी आर अंडर स्ट्रेस और वेन वी आर फेसिंग अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन सो अकॉर्डिंग टू हैंड सेली देर आर थ्री स्टेजेस स्टेज वन इज द अलार्म स्टेज तो उसमें क्या होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन या जो आपका स्ट्रेसफुल इवेंट है उससे आपका फेस टू फेस आमना सामना होता है

ओके सो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तो यानी कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या तो आप उस सिचुएशन को फाइट करोगे या वहां से भाग जाओगे यानी कि फ्लाइट करोगे ओके okay? सो अलार्म स्टेज में वॉट हैपन्स दैट सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा हार्ट रेट इंक्रीज होगा एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होंगे एंड ऑल दी अदर थिंग्स दैट आर एट द मोमेंट नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन एंड एवरी थिंग दैट विल गेट स्टॉप ठीक है तो उस वक्त आपका डाइजेशन नहीं होता है प्रॉपरली सैलाइवेशन स्टॉप हो जाता है तो आपको थ्रोट भी अपना बहुत ड्राई लगने लगता है इन अ सिचुएशन दैट इज स्ट्रेसफुल ओके सो अलार्म स्टेज इज दिस दैट दैट यू आर फर्स्ट फेसिंग स्ट्रेस तो उस वक्त आपकी बॉडी आपका सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके इट विल ट्राई एंड अलर्ट यू कि भाई कुछ तो स्ट्रेसफुल हो रहा है फिर स्टेज टू आएगी स्टेज टू है आपकी रेजिस्टेंस की स्टेज इसमें क्या होगा कि कंटिन्यूसली आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती रहेगी वट आर दीज स्ट्रेस हार्मोन बाय चांस इफ यू नो दीज आर कॉर्टेसॉल्स एंड अदर हार्मोन ऑल्सो बट मेजर स्ट्रेस हार्मोन होते हैं कॉर्टेसॉल ठीक है तो आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली आप उसी स्टेट में है कि हार्ट रेट इंक्रीज है एनॉर्जी इंक्रीज है आपकी बॉडी कोशिश कर रही है उस स्ट्रेसफुल इवेंट से फाइट करने के लिए एंड फॉर दैट इट इज कंटिन्यूअसली रिलीजिंग दीज स्ट्रेसफुल हॉर्मोन्स तो ये रेजिस्टेंस का है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस इवेंट से बच पाएं या उस स्ट्रेस को कम कर पाएं बट इवेंचुअली वॉट हैपन स्टेज थ्री आता है जिसमें आपकी बॉडी हो जाती है एग्जॉस्ट ओके सो द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी दे डिप्लीट योर बॉडी इज नो लॉन्गर एबल टू कोप अप विद दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्योंकि वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज किए जा रही थी कंटिन्यूअसली आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यू नो काम कर रहे थे टू फाइट ऑफ दैट पर्टिक्युलर स्ट्रेस बट बिकॉज इट वॉज कंटिन्यूअस दैट स्ट्रेस वॉज क्रॉनिक सो नाओ एक ऐसा टाइम आ चुका है कि बॉडी के सारे रिसोर्स खत्म हो चुके हैं बॉडी की एनर्जी खत्म हो चुकी है एंड नाउ माई बॉडी इज नॉट एबल टू यू नो फाइट विद दैट स्ट्रेस सो इन दिस सिचुएशन वॉट विल हैपन या तो मुझे कोई डिजीज हो जाएगा हम बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रेस लेने से भी डिजीजेस या डिसऑर्डर्स होते हैं सो इधर आई हैव समिज और सम ऑफ माई बॉडीज ऑर्गन विल फेल और कुछ ना कुछ यू नो डैमेज होगा बॉडी को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सो देरफोर इट इज सेट दैट ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस ड्यूरिंग दीज फर्स्ट टू स्टेजेस ओनली ताकि आपका एग्जॉशन का स्टेज ना आए ताकि आपका बर्नआउट का स्टेज ना है ओके सो दिस इज योर जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम नाउ वील टॉक अबाउट अनादर थिंग जो इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस से रिलेटेड है तो एक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ओके साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या स्टडी करती है इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ योर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन द इम्यून सिस्टम तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो गए जैसे कि आपका अगर कोई स्ट्रेस है आपके जो इमोशन है थॉट्स हैं बिहेवियर्स हैं ऑल ऑफ दीज थिंगउंटेड एस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन सारी चीजों का आपकी इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है दिस इज वॉट द फील्ड ऑफ साइकोन्यूरोम्यूनोलॉजी अटेम्प टू स्टडी नाउ आई होप यू ऑल नो व इम्यून सिस्टम इज जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं दैट्राई टू यू नो फाइट विद द एक्सटर्नल एजेंट जो भी बैक्टीरियाज वायरसेस आ रहे हैं हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है जो उनसे फाइट करने की कोशिश करता है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है इस इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग पे ओके okay, सो so जो स्ट्रेस है इट फ्रिगर्स द सेम रिस्पॉन्स इन द इम्यून सिस्टम एज एनी इन्फेक्शन डज तो जैसे अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आएगा कोई वायरस आएगा कोई बैक्टीरिया आएगा तो इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिवेटेड हो जाता है और फाइट करने की कोशिश करता है उस इन्फेक्शन के साथ ताकि आपकी बॉडी सेफ रहे सो so, ये कहा गया है ये देखा गया है वाया रिसर्च इज डेट साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इज स्ट्रेस ऑल्सो ट्रिगर्स द सेम रिस्पॉन्स इन इम्यून सिस्टम अगर आप स्ट्रेस में हो बहुत ज्यादा सो so आपका इम्यून सिस्टम फिर से एक्टिवेटेड हो जाएगा बिकॉज इट विल थिंक कि कोई तो इन्फेक्शन आया है बॉडी में और मुझे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ओके सो दैट इज वॉट इज द थिंग एंड देन हमारा स्ट्रेस क्या है वो इम्यून सिस्टम में सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स ओके नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं जो कैंसरस ग्रोथ होती है ना ट्यूमर की ग्रोथ होती है उनको फाइट करते हैं नेचुरल किलर सेल्स एंड एक्चुअली बेसिकली दे आर हेल्पिंग आर टू प्रोटेक्ट आर सेल्स फ्रॉम दीज ट्यूमर्स फ्रॉम दीज कैंसरस ग्रोथ्स बट इफ अ पर्सन इज कंटिन्यूसली अंडर स्ट्रेस इफ यू आर इफ यू यू नो somebody is under chronic stress, तो वो क्या करेगा वो स्ट्रेस इम्यून सिस्टम के जो ये नेचुरल किलर सेल्स हैं उनके रिलीज को कम करता जाएगा सो इफ माई नेचुरल किलर सेल्स आर लेस

इट इज़ नॉट ओनली इम्पैक्टिंग यू एट एन इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल बट इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग यू एट योर फिजिकल लेवल इट इज़ ऑल्सो डिप्लीटिंग योर बॉडी ऑफ इट्स रिसोर्सेज इट इज़ ऑल्सो हार्मिंग द इम्यून सिस्टम इट इज ऑल्सो मेकिंग यू मोर प्रोन टू अदर डिजीजेज एंड डिसट आर आउट देयर ठीक है सो दैट इज इट अबाउट टूडेज वीडियो ठीक है आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मुझे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ही डिस्कस करना था स्ट्रेस का आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गेट कन्फ्यूज बाई स्टार्टिंग अदर फैक्टर्स लाइक द कोग्नेटिव फैक्टर्स एंड एवरी थिंग सो एवरी पार्ट विल हैव जस्ट वन फैक्टर ताकि आपके लिए भी ईजी हो पढ़ना और यू you नो know, समझना सो so आज हमने क्या पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ी है वो है गैस मॉडल सो इन दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट जो ये आपका गैस मॉडल है उसका फुल फॉर्म क्या है किसने दिया है थ्री स्टेजेस है तो उनके थ्री स्टेजेस के सीक्वेंस क्या है पहले अलार्म आता है फिर रेजिस्टेंस आता है फिर एग्जॉन आता है ओके एंड एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इवन मोर डीपली एकदम अच्छे से तो जो ट्वेल्थ क्लास की एक वीडियो है गैस मॉडल पे आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड इट एट अ डीपर लेवल और एकदम बेसिक से ठीक है सो लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हियर इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट प्लीज डू दैट गाइड्स